नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंदार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल इट्स माय टेक में। आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्स और रिव्यू करेंगे अगारो के कॉस्मिक प्लस इस इलेक्ट्रिक टूथब्रश का। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, यह क्लिनिकली प्रूवन है कि इलेक्ट्रिक टूथब्रश हमारे दांतों की सफाई हमारे नॉर्मल टूथब्रश से ज़्यादा अच्छी करते हैं। लेकिन अगर हम देखने जाए तो मार्केट में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। यह पर्टिकुलर टूथब्रश हमें अमेजोन पे 1600 से 1700 रुपए के आसपास मिल जाता है। इसके साथ हमें इसकी कैरी केस भी मिलती है और बहुत सी एक्सेसरीज भी मिलती है। अगर आप बॉक्स को देखें तो इस पर कुछ चीज़ें उन्होंने क्लियरली मेंशन की है, जैसे कि IPX7 है, इसमें रिचार्जेबल बैटरी है, हमें कोई अलग से इसमें बैटरी डालने की ज़रूरत नहीं है, बस इसे हमें चार्ज करना पड़ेगा। एक साल के वारंटी के साथ आता है और इसमें ये कई क्लीनिंग मोड दिए हैं। इन सबको हम डिटेल में आगे देखेंगे। ये हमें इसकी कैरी केस दी है, तो कैरी केस की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और उसी के अंदर हमारा टूथब्रश भी है। इसमें सिक्योरली हम टूथब्रश को कैरी कर सकते हैं और ये मैग्नेटिकली क्लोज होती है, यहाँ पे मैग्नेट्स दी है। ये हमारा टूथब्रश और उसका एक हेड यहाँ पे दिया है, तो बॉक्स में और चार हेड्स हमें अलग से दिए हैं। तो ये टूथब्रश लेने के बाद काफ़ी समय तक आपको नए हेड्स लेने की ज़रूरत नहीं है और मैंने यहाँ पे चेक किया है कि रिप्लेसमेंट हेड्स इजीली ऑनलाइन अवेलेबल है। अगर इधर देखें, स्पेसिफिक इंट्राडेंटल अटैचमेंट ये है दोस्तों, इसमें भी ये ब्रिसल्स ही है लेकिन इन्हें एक स्पीयर जैसा शेप दिया है ताकि ये हमारे दांत के बीच में से गंदगी को निकाल सके। और यहाँ पे इसकी चार्जिंग केबल है, इसे USB-A टाइप चार्जिंग केबल होने के कारण आप इसे किसी भी चार्जर के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम हमारे मेन टूथब्रश की तरफ देखते हैं, इस टाइप के इसके साथ ब्रिसल्स आते हैं, तो इस ब्रिसल्स को भी स्पेसिफिक शेप दिया है ताकि ये बेहतर क्लीनिंग कर सके। यहाँ पे स्टार्ट बटन है, निचली साइड पे आप चार्जर लगा के चार्ज कर सकते हैं। बैटरी लाइफ की अगर हम बात करें तो इसे 0 to 100% जाने के लिए 4 घंटे लगते हैं और ये फुल चार्ज के बाद आपको 25 दिनों तक बिना चार्जिंग के चल जाएगा, अगर आप दिन में इसे 2 बार इस्तेमाल कर रहे हैं 2 मिनट के लिए। और ये पूरी तरह से सील्ड यूनिट है, IPX7 है, तो ये 1 मीटर डीप पानी में गिर भी जाए, जैसे कि अगर ये ब्रश करते वक्त ये बकेट में गिर गया और बकेट पानी से भरी है तो भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे ब्रश को कुछ होने नहीं वाला है। यहाँ पे स्टार्ट बटन दबा के देखो तो ये देखिए वाइब्रेशन के साथ ये टूथब्रश ऑन हो जाता है। तो दोस्तों, ये मैंने ब्रिसल इधर नहीं लगाया है ताकि आप ये एक्शन को इजीली देख सके, क्योंकि यही एक्शन हमारे ब्रिसल्स पे भी आती है। बहुत माइक्रो वाइब्रेशंस है और कंपनी का दावा है कि ये 40,000 स्ट्रोक्स करता है 1 मिनट में और हर 30 सेकेंड्स के साथ एक छोटी पॉज लेता है, जिससे कि आपको ये समझ जाता है कि आपको अब दूसरे एरिया में इससे काम करना है। और 2 मिनट के बाद ये खुद ब खुद बंद हो जाता है अगर आपने इसे बंद नहीं किया तो। मोड्स दिए हैं, वाइटनिंग, क्लीन, सेंसिटिव, पॉलिश और मसाज, और ये चार्जर का इधर लाइट दिया है। अगर आप इसके ब्रिसल्स देखें जो हमें मिले हैं तो वो सॉफ्ट टाइप ब्रिसल्स है, ये हार्ड ब्रिसल्स नहीं है, तो इससे हर टाइप के दांतों को ये अच्छी तरह से क्लीन कर पाएगा, सेंसिटिव टीथ के साथ भी, और यहाँ पे सेंसिटिव फंक्शन भी दी है। तो आइए अब हम इस हेड को टूथब्रश के साथ अटैच करते हैं और इसके अलग अलग मोड्स देखते हैं। तो ये इस तरह से अंदर जाके ट्विस्ट करके लॉक हो जाता है प्लेस में, तो मैं वापस इसे ऑन करता हूँ। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे वाइब्रेशंस हो रहे हैं हेड के साथ। ये इसका वाइटनिंग मोड, जैसे कि आप देख सकते हैं कि टूथब्रश यहाँ पे वाइब्रेट हो रहा है विगरसली, और अगर हम इसके आगे उंगली भी रखें तो हम ये क्लीनिंग उसकी एक्शन को फील कर सकते हैं और इससे ये क्लियर हो जाता है कि उनका जो क्लेम है कि इससे हमारे दांतों को अच्छी और ज़्यादा क्लीनिंग मिलेगी वो वैलिड है। वाइटनिंग में इस टाइप की मोशन है। अब मैं इसे क्लीन मोड में डालता हूँ और ये क्लीन मोड है, क्लीन मोड वाइटनिंग मोड से इसमें थोड़ी पावर कम हो जाती है, इसकी भी मोशन इसी तरह से है। हमें जनरल डे टू डे यूज़ के लिए क्लीन मोड को इस्तेमाल करना है,
सेंसिटिव में इसकी इंटेंसिटी काफ़ी कम हो जाती है। तो सेंसिटिव मोड जिनके दांत सेंसिटिव है उनके लिए ज़रूर काम में आएगा। पॉलिश मोड में देखिए ये मूवमेंट चेंज हो जाती है, क्रिस क्रॉस एक्शन है इस तरह से। और मसाज मोड में भी आप क्लियरली देख सकते हैं क्रिस क्रॉस एक्शन ही है, लेकिन जो इंटरवल्स है वो ज़्यादा है। इस ब्रश का मोड चेंज करने के लिए आपको ऑन बटन दबाने के बाद इमीडिएटली उस बटन को वापस दबाना है, तो ये मोड्स में साइकिल करता है और मसाज मोड के बाद ऑफ हो जाता है। अगर आप इसे थोड़ी देर के बाद दबाए तो ये ऑफ होता है। जो मोड इसमें एक बार सिलेक्ट कर लेते हो वो मेमोरी में ये स्टोर कर लेता है। तो अगर मैंने पॉलिश मोड को सेव किया है और मैं इसे स्विच ऑफ करूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वापस पॉलिश मोड में ही चालू हो जाता है। आप आपके फील के हिसाब से जो आपको अच्छा लगे उसे चूज कर ही सकते हो। तो इसमें से ये कोई मोड गिमिक ही नहीं है, हर मोड अलग अलग तरह से काम करता है। ये रियल डेंचर नहीं है, ये POP से बना है, लेकिन इस पे मैं आपको इसकी फंक्शन को अच्छी तरह से दिखा पाऊंगा। इस तरह से ये इंट्राडेंटल हेड काम करेगा। अगर इसके बाकी चीज़ें हमें देखनी हैं तो ये मसाज मोड है इस तरह से, और ये क्लीन मोड है। लेकिन यहाँ पे एक बात आप क्लियरली देख सकते हैं, अगर मैं इसे ज़ोर से भी अगर इस डेंचर पे दबाऊँ तो ये देखिए इसके ब्रिसल्स उनकी मूवमेंट यहाँ पे पहुँचा रहे हैं। तो इससे आपकी दांतों को काफ़ी अच्छी तरह से क्लीनिंग एक्शन मिल जाएगी। अब मैंने इसकी चार्जिंग केबल को पावर बैंक के साथ कनेक्ट किया है, और अगर मैं इधर नीचे की तरफ जैसे ही मैं इसे कनेक्ट करता हूँ आप देख सकते हैं कि चार्जिंग का रेड लाइट नीचे आ गया है और हमारे ब्रश का चार्जिंग शुरू हो गया है। और जब हम इसे चार्ज कर रहे हैं, मैं इसे अगर चालू करने की कोशिश करूँ तो ये देखिए ये चालू नहीं होता है, बस ये इस तरह से बाकी सारे लाइट्स भी इसके ऑन हो जाते हैं। तो इसकी डिज़ाइन बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इसकी जो प्लास्टिक फिनिश है बॉडी की उसको सॉर्ट ऑफ सॉफ्ट टच दिया है ताकि वो हाथ में पकड़ने के लिए अच्छा लगे। एक साल की इसे वारंटी भी आती है और इसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप इलेक्ट्रिकल टूथब्रश के लिए सर्च कर रहे हो तो आप इसे कंसिडर कर ही सकते हो। इसकी ये हाई फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन और उस वाइब्रेशन की अलग अलग डायरेक्शन कंट्रोल होने के कारण ये वाकई में हमें 5 डिफरेंट तरह के क्लीनिंग एक्शंस देता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नए आए हुए यूट्यूब थैंक्स बटन के द्वारा आप चैनल को डायरेक्टली सपोर्ट कर पाएंगे। और मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना करने के लिए बेल आइकॉन दबाना भी ना भूलें। तो अगली बार फिर मिलेंगे एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।